हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि 10 मार्च को आपका बोर्ड एग्जाम है एचएससी का 12th। तो इसमें जरा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं एचएससी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड दोनों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे चैप्टर नंबर 1 के साथ। तो यार, चैप्टर नंबर 1 में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये देना, डिराइव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग टॉर्क। ठीक है, और ये वाला सेकंड वाला, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों में क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है फॉर 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, फॉर या 3 या 4 मार्क्स के लिए। और जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ पैरेलेक्सिस, या परपेंडिकुलर का भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन पैरेलेक्सिस के ज्यादा आता है क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ये पक्का इन तीनों में से पक्का कोई ना कोई आएगा ही। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सेकंड चैप्टर नंबर 2। तो यार, चैप्टर नंबर 2 में ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, सर्फेस फिनोमेना, सर्फेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, और ये एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके 3 मार्क्स के लिए हो गए। और जो 4 मार्क्स वाले, इसमें आपका ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन ये पूछते हैं। ठीक है ना, वैसे तो अभी ये नया पोर्शन में आया है। ठीक है ना, वैसे तो नया पोर्शन नहीं है, लाइक पिछले पोर्शन में आपका सर्फेस टेंशन के नाम पे चैप्टर था आपका। ठीक है, तो उसमें था, तो वैसे काफी क्वेश्चन पूछते हैं दोनों। तो ये 4 मार्क के लिए ये दो क्वेश्चन, और 3 मार्क के लिए ये दो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ये चारों करके जाना। तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाला 3 मार्क के लिए, जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, शो दैट द रूट मीन स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, ये पिछले पोर्शन में आपका 12th में था। ठीक है ना, केटीजी चैप्टर, तो ये क्वेश्चन पूछते थे 12th के स्टैंडर्ड में। ठीक है, 12th बोर्ड में, तो अभी भी इसी में 12th में ही है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी, ये 3 मार्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 4 मार्क के क्वेश्चन है, वो उसमें ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन कैसे भी आप करके जाना, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ द ऑफ एन आइडियल गैस और मेयर्स रिलेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 मार्क्स के लिए। ओके, अब चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। तो यार बच्चों, इसमें चैप्टर नंबर 4 में जो 3 मार्क के क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये 5th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्थ वाला, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन वेरिंग प्रेशर, नेगेटिव वर्क डन, ये वाला। और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप करके जाना। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही मुझे लग रहा है। और जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर नंबर 4 के, उसमें ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन तीनों में से कोई भी एक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाना। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो 3 मार्क के क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला, ये काफी बार पूछते हैं। 4th क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 SHM, ये बहुत बार पूछते हैं। और जो 4 मार्क के क्वेश्चन है, उसमें ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन और ये 3rd वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत काफी बार पूछते हैं। ठीक है ना, काफी काफी बोर्ड में, काफी एग्जाम्स में पूछा गया, मतलब काफी जो ईयर है ना, अलग अलग ईयर जो भी एग्जाम्स हुए उसमें पूछा गया। अब जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, उसमें ये दो जो है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। बाकी आप ये भी क्वेश्चन एक बार आप देख के चले जाना, बट ये सबसे, मतलब काफी टाइम पूछा गया। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, इसमें 3 मार्क्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला, यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये भी एक बार करके चले जाना, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 मार्क्स के लिए, ये तो देखो यंग्स एक्सपेरिमेंट का ही है। ठीक है, तो ये तो आपको करना है क्योंकि 3 मार्क्स वाले में भी है। और ये 4 मार्क्स में ये भी आप याद रखना, फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन का सिंगल स्लिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में जो 3 मार्क के क्वेश्चन है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज या पैरेलल का पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, या कंडेंशन भी इसको बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं। तो 3 मार्क वाले में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी कर लेना सीरीज और पैरेलल का। और 4 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको कौन सा करना है, आपको एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 9। तो जो 3 मार्क्स वाले है चैप्टर नंबर 9 में, उसमें पोटेंशियोमीटर का काफी बार पूछते हैं, तो ये दो क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में तो पूरा पोटेंशियोमीटर का ही दिया है, तो पोटेंशियोमीटर का पूरा कर लेना। और बाकी इस चैप्टर में से सबसे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से ज्यादा पूछते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में जो 3 मार्क्स का है क्वेश्चन है, उसमें सेकंड वाला क्वेश्चन और 4th वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल कर लेना। ठीक है, और 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, इसमें तो यार ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये दोनों अच्छे से कर लेना। ठीक है, वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लेकिन तीनों अगर तीसरा भी कर सकते तो आप कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में ये जो चैप्टर है, इसमें जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 4 मार्क्स में इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट वाला ही रहेगा। ठीक है, डेफिनेशन जो भी इसमें बोला है, रिलेशन बिटवीन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछते हैं, जितने बार भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये जो आपका चैप्टर में से ये दो क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12। इसमें जो 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, उसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन और ये 3rd वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3rd वाला जो ट्रांसफार्मर का ही है ना, तो आप 3 मार्क्स वाले में करोगे तो 2 भी हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला आपको इसमें कर लेना है। ठीक है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। इसमें जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इसमें ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3।
और जो 4 मार्क वाला क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि आप अगर 3 करोगे तो सेकंड और फर्स्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन आपको थर्ड वाला करना है, ठीक है ना, एलसीआर सर्किट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, इसमें जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक का अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ लेना, उसका डायग्राम भी पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी वही है, मतलब सेकंड और थर्ड तो सिमिलर आप बोल सकते हो, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो ये दोनों, ये जो क्वेश्चन है तीनों ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, इसमें जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थर्ड वाला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना, हो सके तो आप सेकंड वाला भी कर लेना। और जो 4 मार्क वाला क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, इसमें जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन है उसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों आप कर लेना, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। और जो क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला कर लेना, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं जो है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मैं जो है मैं लास्ट 5+ ईयर से कोचिंग प्लस प्राइवेट स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मैंने लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ठीक है ना, पूरा मैंने एनालाइज किया है, तो उसके हिसाब से मैंने ये सारे आपको इंपॉर्टेंस बताया। तो इसमें जो भी पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से जो चैप्टर्स है तो वो तो आपको रहेंगे, है ना, और बाकी जो नए चैप्टर्स हैं तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, इन्होंने एनसीईआरटी टेस्ट बुक को छापा है, थोड़ा बहुत छापने की कोशिश किया है, तो मुझे पता है कि एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सिर्फ एचएससी को नहीं पढ़ाता हूं, मैं एचएससी प्लस सीबीएसई, ठीक है, एचएससी प्लस सीबीएसई दोनों बोर्ड को मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। और ये जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड का जो इंपॉर्टेंस आपको बताया ना, ये आपके क्वेश्चन बैंक से बताया, ठीक है, ये जो क्वेश्चन बैंक महाराष्ट्र बोर्ड ने आपको दिया था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बैंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसमें से आप जाके डाउनलोड कर लेना। तो यार ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फिजिक्स एग्जाम, ठीक है, फोड़ के आना सीधा एकदम, मतलब आग लगा देना बस यार, और मैं कुछ नहीं बोल सकता। ओके, टाटा, बाय बाय।